अब ये जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के साथ मित्र का संबंध किस प्रकार महत्वपूर्ण हो गया, उन्हें क्यों इतना महत्वपूर्ण और सर्वोत्तम मित्र माना जाता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के साथ मित्रता की, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को भगवत गीता मिली। उद्धव के साथ मित्रता की और सुदामा के साथ भी मित्र का संबंध रखा, और भी उनके मित्र रहे हैं, सात्यकी उनके मित्र रहे हैं, बहुत सारे मित्र रहे हैं, लेकिन ये जो तीन मित्र हैं, अर्जुन, उद्धव और सुदामा, ये थोड़े प्रसिद्ध मित्र हैं उनके। उद्धव के साथ उनकी मित्रता के कारण जीवन का दर्शन मिला। भगवान कृष्ण ने उद्धव को भी ज्ञान का एक संदेश दिया है, जिसके बारे में शायद कम लोग जानते हैं, उसे उद्धव गीता कहते हैं। सुदामा को उन्होंने मित्रता में ही संपन्नता दे दी। सुदामा दरिद्रता का प्रारब्ध भोग रहे थे, भगवान कृष्ण ने उस प्रारब्ध को नष्ट किया और उन्होंने मित्रता में ही संपन्नता दे दी। और अर्जुन के साथ मित्रता के कारण अद्भुत हो गया, सारी दुनिया को श्रीमद् भगवत गीता जैसा अनूठा ज्ञान मिला। भगवान कृष्ण के साथ मित्रता का संबंध न केवल भक्ति का कारण बना, बल्कि ज्ञान और मुक्ति का कारण भी बना। जो लोग भगवान कृष्ण से मित्र के तौर पर जुड़े, कालांतर में वो उनके भक्त हुए, और कृष्ण भक्त होने की वजह से वो मुक्ति और मोक्ष तक पहुंच गए। तो उंगली पकड़ी एक मित्र की और पहुंच गए परमेश्वर के पास, ऐसा सरल और अनूठा रास्ता केवल श्री कृष्ण की मित्रता में ही संभव है। अब ये जानते हैं कि भगवान कृष्ण के साथ अपनी मित्रता कैसे स्थापित की जाए। देखिए, मित्रता के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है ईमानदारी। आप अपने मित्र से छल ना करें, फरेब ना करें, बेईमानी ना करें, मित्र के साथ ईमानदार रहें, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए अगर आप श्री कृष्ण को मित्र बनाना चाहते हैं तो जीवन में ईमानदार बनिए। अपनी सारी समस्याएं, अपने दुख, अपने सुख, अपनी कष्ट, अपनी उपलब्धि उनसे मित्र की तरह कहिए। शुरू में तो आपको उत्तर नहीं मिलेगा इसका, लेकिन जब धीरे धीरे आप उनसे बात करना शुरू करेंगे, जब आप धीरे धीरे अपनी समस्याएं कहेंगे, अपना सुख और दुख बांटेंगे, तो आपको अंतर आत्मा में अंदर से उसका समाधान मिलेगा। तो इसके बाद अंतर आत्मा में उसका जो भी समाधान मिले उसे स्वीकार करिए। और जब आपकी मित्रता भगवान कृष्ण के साथ बड़ी प्रगाढ़ हो जाए, बड़ी मजबूत हो जाए, आपको अनुभव होने लगे कि आपके सुख में, दुख में, लौकिक, आध्यात्मिक, हर तरह से कृष्ण आपके साथ मित्रता निभा रहे हैं, तो अपनी मित्रता का दुरुपयोग मत करिए। देखिए, ईश्वर से मित्रता हो जाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन आप उनके मित्र हो गए और उसके बाद आप अपनी मित्रता का दुरुपयोग करते हैं, उल्टी सीधी कामनाएं करते हैं, उल्टी सीधी याचनाएं करते हैं, तो ऐसा करना आपके लिए सही नहीं होगा।
एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।